सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। तो यार ये जो वीडियो है थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो है। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया था, तो इस वजह से सोचा आज क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं व्लॉग बनाने में शर्माता हूँ, मैं नहीं बना पाता हूँ यार। पब्लिक में व्लॉग बनाने जाओ ना तो कहते हैं भाई लोग देखते हैं तो अजीब सा लगता है। तो यार तुम लोग खुद ही सोचो कि मतलब उन लोगों को देख करके तुम लोग व्लॉग बनाओगे ना तो कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि क्या जनता तो आप लोगों को देखेगी, घूरेगी, कुछ ना कुछ कहेगी आपको। उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब उन पर ध्यान आप दोगे ना तो आप कभी व्लॉग शूट नहीं कर पाओगे। और अगर आप उन पर ध्यान नहीं दोगे तो आने वाले कुछ समय बाद वही आप पर दोबारा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि आप तब कुछ ना कुछ बन चुके होगे। आज अगर उन लोगों के बारे में सोच के आप लोग व्लॉगिंग शूट नहीं करोगे ना तो फिर आगे चल के आप पछताओगे कि भाई उस टाइम मैंने व्लॉग अगर शूट कर लिया होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता और आज मैं काफ़ी ऊपर जा चुका होता और यही लोग मुझे पसंद कर रहे होते, मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए मतलब खड़े होते। तो इस चीज़ को देख करके तुम लोग आगे बढ़ो। अब क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई घर वाले सपोर्ट नहीं करते, फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं करते। तो यार सपोर्ट क्या, देखो कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ों में लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब तुम लोग खुद ही सोचो कि यार मतलब जब तुम लोग गर्लफ्रेंड बनाने जाते हो क्या तुम लोग के घर वाले सपोर्ट करते हैं? तब तुम लोग जाते हो, नहीं जाते हो ना। तो वही चीज़ सोच करके चलो कि हाँ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है फिर भी मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। बिना सपोर्ट के करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ना बताओ घर वालों को यार जब तक तुम्हारी फर्स्ट पेमेंट नहीं आ जाती है, ठीक है। बाहर से कहीं से व्लॉगिंग करो, बाहर कभी भी घूमने जाते हो 2-3 दिन में एक बार निकलते ही होगे, वो व्लॉग शूट करो। कॉलेज जाते हो तो आने जाने का व्लॉग शूट करो, फ्रेंड्स के साथ क्या मस्ती करते हो वो व्लॉग शूट करो। इस तरीके से कर सकते हो यार। किसी का भी सपोर्ट नहीं मिले ना फिर भी अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जब फर्स्ट पेमेंट आ जाती है ना तो घर वाले क्या बाहर वाले भी सपोर्ट करने लग जाते हैं। जब फेमस हो जाओगे ना तो पूरी दुनिया सपोर्ट करने लग जाती है। तो इस चीज़ पर ध्यान दो कि थोड़ा सा खुद को बना करके चलो, किसी पर ध्यान मत दो, खुद के काम पर ध्यान दो। अगर आने वाले दिनों में तुम कुछ बन जाओगे तो वही जो लोग तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे ना, वही आकर के तुम्हारे साथ सेल्फी लेंगे, फोटो खिंचाएंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि उस टाइम इनकी ना सुन करके हमने कितना अच्छा किया था, जो आज हम इस लेवल पे हैं और ये इस लेवल पे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान से देख करके चलो। और व्लॉग शूट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम लोग कहते हो कि भाई इक्विपमेंट नहीं है, माइक नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, कैसे व्लॉग शूट करें? तो बस यार एक मोबाइल ही काफ़ी होता है, छोटा सा मोबाइल। कोई भी बड़ा व्लॉगर जो बना है ना वो बड़ी चीज़ें खरीद के पहले से नहीं बना है, उसने मोबाइल से स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस हुआ है, उसने यूट्यूब से ही पैसा कमाया, तब जा करके DSLR ट्राइपॉड माइक वगैरह ये सब खरीदा है। कभी भी खुद का पैसा यूट्यूब में मत इन्वेस्ट करना, यूट्यूब से जो कमाओ वही यूट्यूब में लगाओ, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। खुद का पैसा लगा करके आप सोचो सक्सेसफुल हो जाओ, अच्छा अच्छा स्टूडियो बना लो 2-2.5 लाख का, तो वो नहीं करना कभी भी, ठीक है। हमेशा यूट्यूब का स्टार्टिंग शुरुआत से करो ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो, कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करो। अगर आप लोग प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे ना तो आपका कॉन्टेंट कभी भी बेहतरीन नहीं होगा। आप पहले प्रॉब्लम्स को फेस करो, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, उसके बाद आप अपने कॉन्टेंट पर देखना कि आपका कॉन्टेंट कितना अच्छा बन जाता है। तो यार मेरा यही आप लोगों से विनती है कि आप लोग जो काम करना चाहते हो उसको दिल से करो, ठीक है। किसी से सपोर्ट की उम्मीद मत रखो। अगर आप लोग जितनी उम्मीद रखोगे ना उतना ही आपका डीमोटिवेट होगे। उम्मीद मत रखो, बस अपने मोटिवेशन पर काम करो। अगर आप लोग खुद से उम्मीद रखो बस कि मैं इतना अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ, अगर खुद से उम्मीद रखोगे ना तो दूसरा आपको खुद आकर के सपोर्ट करेगा बिना कुछ कहे। तो इस चीज़ पर ध्यान दो यार। तो फिर यही थी आज की मोटिवेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर से करना, लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।